जय हिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले न्यूज और अपडेट मिलती रहती है राजस्थान के जितने भी बेरोजगार युवा है उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है इकतालीस हजार भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का यहाँ पर ऑफिशियल रूप से जानकारी आ चुकी है क्योंकि पिछली कोरोना महामारी के कारण पिछले दो साल में राजस्थान में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं हो पाई थी भर्ती नहीं हो पाई जिसकी वजह से अब एक साथ सारी निकल कर आ रही है इसलिए अब आप सभी जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके आप यहां पर देख सकते हैं कि तीन सितंबर की बैठक में होगी रीट परीक्षा की समीक्षा राजस्थान में छब्बीस सितंबर को रीट का एग्जाम है इसको लेकर यहां पर बैठक होने वाली है तीन तारीख को बड़ी अपडेट है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया बैठक में शिक्षक भर्ती 2016 में नॉन टी में लेवल द्वितीय अंग्रेजी विषय के 511 तथा विज्ञान गणित विषय के आठ रिक्त पदों पर जो तो विद्यार्थी है उनकी प्रतीक्षा सूची जारी करने का निर्णय यहाँ पर सरकार ले चुकी है इसके साथ में ही जो पिछले बजट में बताया कि घोषणा हो चुकी है इकतालीस भर्तियों की इसको लेकर सरकार यहाँ पर शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय भी ले चुकी है इसके अंदर कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती आप देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षकों की पद खाली पड़े हैं उनकी वैकेंसी आ रही है इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक में स्टाफिंग पर्यटन के दौरान जिन स्कूलों में कक्षा छः से आठवीं तक दस से ज्यादा बच्चे हैं वहाँ तृतीय भाषा का पद स्वीकृत किया जाएगा यह भी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर आ चुकी है सरकारी स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पदों के सर्जन के लिए वित्त विभाग को पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है यह भी यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आएगी इसके अलावा एक सितंबर से कक्षा नौ से बारहवीं तक स्कूलें भी खोली जा रही है राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 2021 लास्ट में आ रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सितंबर लास्ट में आ रही है इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं इसके अलावा पशु विभाग के अंदर भी वैकेंसी निकल कर आ रही है तो सारी वैकेंसियाँ होने वाली है इसलिए जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी यहाँ पर ये यह एक अपडेट है यदि आप राजस्थान पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन बोर्ड एप्लीकेशन का उसके ऊपर आपको क्लिक करना है आपको फ्री यहाँ पर मोक टेस्ट मिल रहा है बिल्कुल निशुल्क इसके अंदर आपको ई मेल पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है सबसे पहले उसके बाद इस, इस प्रकार का आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक टेस्ट का इस टेक टेस्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आप अपनी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो ये वो अलग अलग यहां पर चूज कर सकते हैं और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में निःशुल्क यहां पर टेस्ट दे सकते हैं तो जो भी साथी तैयारी कर रहा है उनके लिए बड़ी अपडेट है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है धन्यवाद